Welcome to Quantum Classes and DIYT. Today we will study about the image formation of the convex lens. Convex lens द्वारा image formation से पढ़ने से पहले हम लोग convex lens से image कैसे बनता है इसके लिए कुछ rules के बारे में जानेंगे. केवल तीन rule है. सबसे पहला कि अगर कोई lens है यहाँ पे हम lens बना लेते हैं कि lens हो गया convex lens. ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये यहाँ पर हम इसका बना लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर सी. अगर ये ऑप्टिकल सेंटर सी है अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर क्या करती ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करती है तो वो विदाउट डेविएशन सीधे चली जाती है. ठीक है. व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इट गोज विदाउट डेविएशन और गोज स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस. यानी कि ये सीधे चली जाएगी. फर्स्ट रूल ये होता है. सेकेंड रूल ये है इफ द रे ऑफ लाइट सपोज करिए यहां पर है इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस इधर का एक बार इसका फोकस ले लेते हैं. अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो ये क्या होता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होगा अगर कोई रे किससे पास कर रही है फोकस से पास करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. इसी तरह से थर्ड है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है इफ द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन द कन्वेक्स लेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट मीट एट अ पॉइंट दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. इफ द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन द कन्वेक्स लेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय द लेंस it meet at a point on the principal axis that point is called focus. ये हमारा optical center है. ये हो गया हमारा focus. अब बाकी इसमें सब definition होती है जैसे optical center से focus के बीच की जो distance होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं focal length कहते हैं. तो the distance between the optical center and the focus is called focal length of the lens. फोकल लेंथ कहलाता है. तो यहाँ पर हमने तीन रूल्स बताया. इसी रूल्स का है पर फिर से बता देते हैं कि द रे ऑफ लाइट कमिंग बैक द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस गोज और गोज स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय द कन्वेक्स लेंस और गोज विदाउट डेविएशन थ्रू द लेंस. यानी रिफ्लेक्शन के बाद बिना डेविएशन के ये लेंस स्ट्रेट चली जाती है. सेकेंड रूल ये है सेकेंड रूल ये कि इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यानी अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद लेंस के द्वारा रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. इसलिए यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टेड रे को पैरेलल दिखाया है. इसी तरह से हमारा थर्ड केस क्या था थर्ड केस ये है इफ द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन द कन्वेक्स लेंस इट मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द लेंस. ये तीन बातें हैं इन तीन ये थ्री रूल्स जो भी हमारे पास है इन तीनों बातों के या तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट टाइप के लेंस के जो हमारे पोजीशंस है ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस है उस पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे इस लेंस में ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन का हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला इसमें यह है कि बेसिक चीजें तो इसमें जैसे हम लोग मिरर में पढ़ते थे कि सभी डिस्टेंसेस हम लोग कहाँ से मेजर करते थे मिरर के पोल से तो यहाँ पर सभी डिस्टेंसेस हम लोग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं. ठीक है. तो ये ऑप्टिकल सेंटर से
बाकी इसमें दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड का हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा केस है, जो फर्स्ट केस दिया हुआ है कि वेन ऑब्जेक्ट इज केस, इसमें टोटल जो है ना छह कंडीशंस होते हैं, छह पोजीशन से ऑब्जेक्ट का, जिसमें से हम लोग सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लिखा हुआ है कि वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सी एंड एफ। सी एंड एफ का मतलब वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द फोकस, देन द इमेज फॉर्मेशन विल बी लाइक दिस रे डायग्राम। अब एक चीज इसमें और भी ध्यान देना है कि हम लोग इस रे डायग्राम को समझते हैं कैसे ये बना। यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट हमारा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ। सी का मतलब यह है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यानी सी हो गया, एंड एंड फोकस यानी कि एफ हो गया। यानी ऑब्जेक्ट को जब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, एक चीज और ध्यान देना है, जैसे मिरर में था वैसे लेंस में भी हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो ये लेंस जो हमारा एल है, इसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा। यहाँ पर ये एफ डैश भी लिख सकते हैं, इसमें जो है दो फोकस है, एफ डैश, एफ डैश लेफ्ट साइड में होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रख दिया है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन तब होता है जहां पर दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, ठीक है, या तो वो एक्चुअली मीट करती है या अपीयर्स टू बी मीट, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर क्या है, ये रेज जो है ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रेज हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। यहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, हमने अभी यहाँ पर रूल बताया, इवन द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट मीट एट अ पॉइंट ऑन द फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो इसलिए यहाँ से जो पैरेलल रेज गई है वो क्या होगी, फोकस से पास करेगी, तो यहाँ ये फोकस से पास कर गया है। अब क्या करना है, एक रेज से तो हमने बताया इमेज तो बनता नहीं है, कम से कम उसके लिए टू रेज चाहिए, दो रेज चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद। तो एक रे हमने तो यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कराया और ये फोकस से चली गई। दूसरा क्या करना है, दूसरा रेज है ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जब इसको हमने पास कराया तो ये विदाउट डेविएशन ये सीधे चली गई, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों रेज हैं, ये कहीं पे नहीं मीट कर रही है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस से जो है ना धीरे धीरे ये क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल तो मीट कर नहीं रही है और ना कहीं मीट करेंगे, जब ये डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो वो मीट ही नहीं करेंगे। इसलिए इसको पीछे की ओर जब बढ़ाया, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जब इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। डॉटेड लाइन ये शो करता है कि वहां पर जो रेज है हमारी क्या है, वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस कर दिए। इसको प्रोड्यूस करने के बाद ये दोनों रेज जो है वो कहां मिलती है, एक पॉइंट यहाँ ए डैश के पास मिलती है, और इसी चीज को हम लोग इस ऑब्जेक्ट ए बी का इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मानते हैं, ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ठीक है, जो कि दिखाई दे रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट से ये बहुत बड़ा है, यानी हाईली इनलार्ज या मैग्निफाइड है, बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज की इस ये चूंकि रेज जो है दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रही है, बल्कि इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा रहे हैं, इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और सीधा दिख ही रहा है, यानी जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में, वो हमारा या कहीं भी वर्चुअल इमेज है तो वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है।
तो नेचर ऑफ द इमेज हो गया हमारा वर्चुअल एंड रियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, मैंने ये बता दिया साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली मैग्निफाइड होगा और या इलास्ट होगा। इसके बाद पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो सेम साइड ऑफ द लेंस होगा या इसको कहते हैं बिहाइंड द लेंस। तो ये तीन बातें सबसे पहले तो हमको देखना होता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस की गई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। इमेज फॉर्मेशन लिखने के बाद हम लोग उसमें ये देखते हैं कि इमेज का पोजीशन क्या है, तो इमेज का पोजीशन लिखना होता है। इमेज के पोजीशन लिखने के बाद हम लोग उसका नेचर बताते हैं, इमेज का नेचर कैसा है, और नेचर का मतलब इरेक्ट है, वर्चुअल है, क्या है ये बताना होता है। फिर उसके बाद हमको बताना होता है कि उसका पोजीशन कैसा है, यानी कि पोजीशन। तो तीन चीजें बतानी होगी, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। तो वही हमने तीन बातें लिख दी है कि पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द लेंस, और नेचर इसका लिख दिया है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज लिख दिया हाईली मैग्निफाइड एंड इनलार्ज्ड। समय को सेव करते हुए हमने यहाँ पूरा डिटेल्स नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें क्या किया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा फिगर मैंने क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस। और ये जो फोकस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाएगी, तो ये फोकस जो होगा हमारा एफएस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, देन उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा। अब इसको समझते हैं, यहां पर हमने क्या किया है, ये फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां से ये भाई दो रेज कम से कम पास करानी होगी, एटलीस्ट टू रेज हम लोग पास कराएंगे तभी उनका कहीं पे इंटरसेक्शन होगा तो इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक रेज हम लोग हमेशा कहां से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज पास करेगी वो विदाउट वेरिएशन, यानी किसी तरह का किसी उसमें बेंडिंग नहीं आएगा, तो स्ट्रेट चली जाएगी। तो मैंने स्ट्रेट इसको बढ़ा दिया है। फिर दूसरी रेज कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड वी नो दैट व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड फोकस। तो यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पर मीट करेगी, फोकस पर मिलेगी। तो ये फोकस पर मिल गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देख रहे हैं ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से रेज गई है और दूसरी रेज जो यहाँ फोकस से गई है, ये दोनों रेज जो है उनके बीच की डिस्टेंसेस जो है वो सेम है, लगभग ये सेम है, हर जगह सेम है, और इस तरह से यानी ये पैरेलल है, ठीक है। अब जब टू रेज पैरेलल होती है तो वहां पर वो कहीं मीट ही नहीं करेंगी, तो इसलिए द पोजिशन ऑफ द इमेज हो जाएगा एट इंफिनिटी। यानी इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इन दिस केस द इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इमेज एट इंफिनिटी। इस चीज को इमेज डिस्टेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, इसलिए वी इक्वल टू इंफिनिटी भी लिख दिया है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। फिर इसमें भी वही तीन बातें जो बताने के लिए मैंने बोला, पोजिशन, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। तो मैंने पोजीशन जैसा कि बता ही दिया कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट द इंफिनिटी, और सेकंड चीज क्या बताना है, सेकंड चीज का साइज क्या है, साइज आईवी की लास्ट भी बड़ा मुक्का है एंड। इसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन को छोड़ करके कॉन्वेक्स लेंस का कोई भी इमेज का नेचर पूछा जाएगा तो वो रियल और इन्वर्टेड बनता है, तो इसलिए यहाँ पर नेचर ऑफ द इमेज आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। ये अभी मैंने केवल दो कंडीशंस बताई है, एक कंडीशन कब बताया, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, बिटवीन द सी एंड एफ, और दूसरा कंडीशन ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस। तो ये दो कंडीशन बताया, यहाँ पर हमने तीन इसके लिए रूल्स बता दिए, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे गोज स्ट्रेट और गोज विदाउट वेरिएशन। सेकेंड बताया व्हेन द लाइट कमिंग थ्रू द
focus after the refraction through the lens, it becomes parallel to the principal axis. And the third, then the light coming parallel to the principal axis after the refraction through the lens, they meet at a point, that point is called focus. तो इस तरह से ये थ्री रूल्स था, थ्री रूल्स के साथ साथ दो हमने इमेज फॉर्मेशन बता दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया जाए तो उस केसेज में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ये थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो अगर हम इंफिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वही एक लेंस बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर ये स्ट्रेच लेंस मैंने बना लिया, तो ये लगभग मिडिल पॉइंट इसका स्ट्रेच दिखा दिया। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को सी से डिनोट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे, और हम लोग लाइट चैप्टर में जब भी इंफिनिटी कहा जाएगा तो वहां पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, यानी हमारी जो ऑब्जेक्ट्स है वो कहां से आएगी, दो पैरेलल लाइंस के थ्रू आएगी। तो एक लाइन हम क्या करते हैं यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए यहां पर दिखा देते हैं, ये पैरेलल लाइन चली गई। ठीक है, तो फिर दूसरी भी हमको क्या करना होगा, इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी होगी। थोड़ी सी लाइन के बीच की डिस्टेंस गड़बड़ गई, ये पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ये जो रेस आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर यानी यू जो है इंफिनिटी हो गया, टू पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो तो स्ट्रेट चली गई, और दूसरी जो होती है वो क्या होगी, ये अगर ये जो पैरेलल आएगी ये वाली जो रेस है तो ये इसको हम लोग इधर फोकस से पास करा देंगे, ये कहीं ना कहीं इधर मीट करेगी और ये जहां पर मीट करेगी वही हमारा एंड पॉइंट होगा और ये हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ये इधर ए डैश, इधर बी डैश। ठीक है, रे डायग्राम में ए रे जरूर मार्क करेंगे कि वो कहां पे लग रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन के बाद ही वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है।